कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन ने बहुत से लोगों के रोजगार को लॉकडाउन कर दिया है। ये वो लोग हैं जो रोजाना कमाते और खाते थे, फिर भी वो महामारी से निपटने में प्रशासन और सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों के सामने राशन का संकट खड़ा ना हो, इसलिए समाज सेवी तनवीर खान और स्वयंसेवी संस्थाओं के नौशाद अहमद गुजर मोहम्मद जहांगीर ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वो ऐसे जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उनके घर राशन पहुंचा रहे हैं, ताकि महामारी के बीच भुखमरी जैसी दूसरी बीमारी ना फैले। कोरोना के चलते लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। रांची में नजर वेलफेयर सोसाइटी ने भी इसने काम में आगे आई है और लगातार गरीब जरूरतमंदों की मदद पहुंचाकर गुरुवार को हिंदपीढ़ी स्थित जीटी रोड और आसपास के लोगों के दरमियान सूखा राशन का वितरण कर रही है। मौके पर तनवीर खान ने लोगों को इस महामारी से बचने के लिए उपाय भी बताया। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए मसीहा बन संस्था की डायरेक्टर जहांगीर ने राशन की किट बनवाकर जरूरतमंदों के घर पहुंचा रही है। संस्था के इस काम से खुश होकर लोगों ने तनवीर नौशाद जहांगीर को दुआ से नवाज रहे हैं और खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं। जो आप रोजाना इस तरह के आप समाज सेवी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर इसका आप लोगों का सोसाइटी के? उद्देश्य तो है सिर्फ समाज का उत्थान करना और समाज की भलाई करना, और जो हमारे बॉस का जो उद्देश्य है कि लोग कोई भूखा न रहे, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैं रांची में नहीं था, उसके बावजूद भी मैं जब जब फ़ोन किया हूँ, जनता का फ़ोन हमारे पास आता था, मैं बॉस से संपर्क करता था, आदेश होता था। ये अपना जो है ना, लगभग हमको लगता है कि 600 से 1800 किट जो है ना इनपीढ़ी के और कुर्बान चौक के लिए भेजे थे। ये पिछले लॉकडाउन की कहानी है। इस बार फिर जो है ना ये मंजर आम पे आए हैं और काम इनकी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सर ऐसे भी लोग हैं जो मेन रोड में भिखाई के रूप में बैठे हैं, उनकी आय इस बार बहुत कम हो गई है, वैसे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? वैसे लोगों के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बीच में कर चुके हैं और बहुत सारा ऐसा काम हम लोग करते हैं जिसको हम लोग ना मीडिया के सामने लाते हैं ना मंजर आम पे लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम है जिसको लाना ज़रूरी हो जाता है, उसी को हम लोग सामने लाते हैं। वैसी बात है तो उसको भी हम लोग जो है ना एक मतलब अभियान चलाएंगे और हम लोग एक मीटिंग करके उस पर जो है ना फिर उसको अमल किया जाएगा। सर बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि आपके माध्यम से ऐसा कार्य किया जा रहा है, उस तक कैसे आप लोग पहुँचेंगे सर? इसके लिए तो सबसे बड़े मेन स्रोत जो है वो आप लोग, और आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग रह रहा है। आप लोग मेन जो है ना रोल अदा कर रहे हैं, तो आप ही के जरिए जो है ना उन तक पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ आप बन करके उभरे, आपकी जो है ना आपकी जो आवाज़ होगा उसमें हम खड़ा होते हैं। सर एक और सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि हम लोग कोने कोने तक सेवा पहुंचाएंगे, तो कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि नौशाद अहमद जी कहाँ कहाँ कैसे पहुँचा पाएंगे, क्या आपके द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? हेल्पलाइन नंबर जारी वो हमारे नजर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो आज जो रसीद काटा गया है, और जो जिनविन लोग थे घर घर एक एक घर में जा करके हम लोग पहुंच करके रसीद को काटे हैं, और रसीद को लेकर के आइए और अपना किट लेकर के जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि बॉस जो है ना अपना जो है ना दे चुका है नंबर, वो अपना नहीं जारी किए हैं, लेकिन अगर नंबर आप लोग चाहते हैं कि दिया जाए तो नंबर जो है ना हाईलाइट हो सकता है। क्या नंबर है सर, क्या आप थोड़ा सा दर्शकों को स्क्रीन पर बता दें आप नंबर जो आप जिनसे सेवा हो सके? 700469751 और 9304540461 9304540471 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बॉस का नंबर हम इसलिए नहीं देंगे कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कभी मंत्रालय में हैं कभी कहीं और हैं, तो मतलब सारा कहने का मतलब सारा देख रेख आपके ही नजर में होगा। ठीक। क्या कहेंगे सर, लगातार जो है जरूरतमंदों के बीच में जो है आप राशन तकसीम कर रहे हैं, क्या मकसद है? मकसद यही है कि जो लोग भूखे हैं, जो लोग का कोई सहारा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं, अब गली मोहल्ले में जाएंगे तो काफी परेशानियां देखने को आपको मिलेंगी, तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हर गली हर मोहल्ला हर घर में जाकर उनसे मिले, उनको जो 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 जरूरत है, राशन है, दवा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग दे रहे हैं, और पिछले लॉकडाउन से अभी तक हम लोग इस चीज़ को दे रहे हैं और आगे भी ये चालू रहेगा। अभी ये हिंपड़ी है, ये कुर्बान चौक जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इसके बाद पंडरा है, रातू है, नगड़ी है, जितने भी क्षेत्र है रांची के टोटल एवरी ऑन टोटल क्षेत्र में ये बांटा जाएगा
ये किट तैयार हो ही रहा है और अभी जब तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन खत्म होने के एक महीने के बाद तक ये बटेगा। तो क्या ये बैकग्राउंड जो आपका है बैकग्राउंड पॉलिटिकल के द्वारा बांटा जा रहा है या फिर खाली अपना समाज सेवी के रूप में बांटा जा रहा है? समाज सेवी के रूप में बांटा जा रहा है क्योंकि मैं खुद एक समाज सेवी है, इसमें कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, कुछ नहीं है। ये लगातार आपका प्रयास जारी रहेगा कि फिर कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा? ये तो पिछले मुझे लगता है कि डेढ़ साल से ये चालू है, जब से लॉकडाउन है तब से चालू। राशन जो आप वितरण कर रहे हैं सर, उसमें क्या क्या सामान मुहैया कराए हैं? इसमें 5 किलो चावल है, दाल है, तेल है, आलू है, प्याज है, तेल है, यानी इतना सामान है कि एक छोटा जो गृहस्थी होता है वो 10 दिन चला सके और 10 दिन के बाद दूसरा लॉट फिर यहाँ चला है। सर क्या ये आपका प्रतिदिन चलता है? हाँ प्रतिदिन चल रहा है। प्रतिदिन कहाँ पर जाते हैं? अभी देखिए लोगों को वितरण करते हैं, ये 100 किट बनता है, एक बार में 100 लोगों को दिया जाता है और अभी 2 दिन पहले यहाँ दिया गया है, क्या नाम है, कुंदाग में दिया गया है, हिमपुरी के जो ये नदी ग्राउंड क्षेत्र है वहाँ 2 दिन पहले दिया गया है। अभी फिर हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे वो ढीपा टोली, वहाँ के लोग भी है, वहाँ देना है, परसों 15 है। सर मेरा एक और सवाल है कि जिन लोगों के पास सूखा राशन मुहैया करा रहे हैं उनके पास खाना बनाने की व्यवस्था है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है खाना बनाने के लिए, उनके लिए आपका क्या विचार है? वैसा अगर हम लोगों को लिस्ट मिलेगा कि भाई जिनके पास खाना बनाने का व्यंजन नहीं है, गैस नहीं है या कोयला नहीं है, जिस चीज से वो बनाते हैं तो वो भी मुहैया कराया जाए। जी राज्य में ऐसे भी रांची क्षेत्र में कि बाहर से आए हुए मजदूर उनको जाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहा, उनके लिए क्या क्या मुहैया करा पाएंगे सर आपके द्वारा? जरूर जरूर, अगर आपके पास लिस्ट, आप लोग मीडिया है, आप लोगों के पास अगर वैसे लोग है जिनके पास जाने का पैसा नहीं है या साधन नहीं है तो वैसे लोगों की लिस्ट आप मुझे दीजिए, मैं उनके उनके घर तक साकुशल भेज दूँ। सर क्या वो राज्य के अंदर ही आप भेजेंगे या उसको राज्य के बाहर भी, जहाँ का वो होगा वहाँ भेज दें? जी अपना शुभ परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम तनवीर खान है। रांची से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।